हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइव आ जाएगा, जैसा कि शाम के 8:30 बजे वाली हमारी लाइव क्लास का टाइम हो चुका है। आज हम बात करने वाले इंडियन आर्मी के मैथमेटिक्स के 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में, यानी आपका एक ईमानदारी से 30 प्रश्नों का मॉक टेस्ट लगाना है, जो कि संपूर्ण इंडियन आर्मी के नवीनतम सिलेबस के अनुसार बनाया गया है। इस 30 प्रश्नों में से आप सभी विद्यार्थियों को 22+ का टारगेट लेके चलना है, क्योंकि क्वेश्चनों का लेवल मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से इंक्लूड किया है। जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वही मैंने इंक्लूड किए, और ये क्लास आप जीडी ट्रेडमैन टेक्निकल यानी किसी भी ट्रेड से देख रहे हो तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इंडियन आर्मी में मैथमेटिक्स का लेवल सब में एक समान रहता है। चलिए दोस्तों, बिना देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। चलिए बिना देरी के फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देने की कोशिश करिएगा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपको दे रखा है। 7 संख्याओं का योगफल आपको कितना दिया, 1050 दिया। कितनी संख्या, कुल संख्या 7 है। इनमें पहली 3 संख्याओं का एवरेज दे दिया, यानी आपको औसत दे दिया, फिर चौथी संख्या आपको दे दी है। इसका मतलब 7 संख्या में कुल मिला के हम ऐसा कह सकते हैं 4 संख्याओं का आपका योग दे दिया, और अंतिम 3 संख्याओं का औसत आपको पूछा है। तो पहले हम अंतिम 3 संख्याओं का योग निकाल लेते हैं, फिर 3 का भाग दे देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, एवरेज यानी औसत आ जाएगा। अब निकालने की कोशिश करते हैं, पहले बात कर लेते हैं 7 संख्याओं का योग। आपको 7 संख्याओं का योग कितना दिया है, पहले तो वो चीज नोट कर लीजिएगा। तो 7 संख्याओं का योग आपको कितना दिया, 1050 दिया। कितना दिया, 1050 दिया, जो कि मैंने लिख दिया। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है आगे जो पहली 3 संख्या है ना, उसका आपको एवरेज दे दिया 120। संख्या है 3 और एवरेज जब 120 है तो इनका योग कितना होगा, आपको पता है 12 ने कितना हो गया 36, यानी 360। कितना हो गया, यह हो गया आपका 360। अब बात कर लेते हैं आगे, यदि हम बात करें तो चौथी संख्या आपको कितनी दे दी है, चौथी संख्या की बात कर लेते हैं, यानी चौथी संख्या की नंबर की बात करें तो वो आपको कितनी दे रखी है, आपको दी 126। कितनी दी है, 126 दी है। अब बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं तो इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे तो आपको पता है कितना आएगा, ये जल्दी से जोड़ लीजिएगा, 6, फिर बात कर लेते हैं 8, और फिर बात कर लेते हैं 486। और हम बात कर लेते हैं ये कितनी संख्याओं का योग आया, 486 की बात करें तो ये 4 संख्या होगी, क्योंकि प्रथम 4 संख्या होगी, और कुल संख्याओं का योग की बात करें तो आपको कितना दिया था, 1050 दिया था। इसका मतलब 1050 में से यदि हम घटा देंगे कौन सा, 486, तो आपकी जो अंतिम 3 संख्या उनका योग आ जाएगा। तो हम अंतिम 3 संख्याओं का योग निकालते हैं या घटाते हैं, तो आपको पता कितना बचा, 4 बचा, फिर बात कर लेते हैं 1 इधर हासिल गई, फिर कितना बचा आपको पता है, 6 बचा। कितना बचा, 6 बचा, और फिर बात कर लेते हैं इधर से 1 हासिल चली गई थी, इसका मतलब आपका कितना बचेगा, यदि बात करें तो आपका बचने वाला है 5। कितना, 5। अब आपको पता है ये अंतिम 3 संख्याओं का योग आपके पास आ गया 564, और आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, संख्या कितनी है 3, इसका मतलब 3 का भाग दे देंगे, यानी आपका कितने जाने वाला है, 1 बार गया, फिर बात कर लेते कितनी बार जाएगा, आपको पता चल गया होगा 8 बार 24, फिर 8 बार 24। इसका मतलब आपका जवाब कितना आएगा, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल उनका उत्तर सी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, काफी सारे युवाओं ने लाइव चैट में जवाब दे दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, आराम से कर सकते थे। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 2 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब देने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। यदि आपको दिया 2 समीकरण दिए, जब भी आपको 2 समीकरण दी हुई हो एक्स और वाई के रूप में, तो एक्स और वाई को एक तरफ कर लिया करो। पहले समीकरण की बात करें तो वाई को मैं इधर ले आता हूं, तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा, क्या, एक्स माइनस वाई, और बराबर में आपको कितना दे दिया, 23 दे दिया, बराबर में कितना दिया, 23 दिया, और एक दिया एक्स माइनस टू वाई, एक क्या दिया है, एक्स माइनस टू वाई दिया, और बराबर में आपको कितना दिया, 15 दिया, यही तो दे रखा है बिल्कुल। तो हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह का आपको पता है, यदि हम बात करें यहां किसकी वैल्यू पूछ रहा है, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम एक्स और वाई किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। यदि इस समीकरण को आप देखोगे तो एक्स हम कैंसिल कर सकते हैं, तो आपको पता है समीकरण यदि इसको हम 1 माने, इसको हम 1 माने, और इसको 2 माने, तो विलोपन विधि के माध्यम से हम हल कर सकते हैं। तो आपको पता है समीकरण 1 में से मैं 2 को घटाने की कोशिश करता हूं, 1 में से 2 घटाता हूं, तो घटाने पे आपको पता है चिन्ह परिवर्तित होता है, यहां क्या माइनस हो गया, प्लस था ऊपर, यहां बात कर लेते हैं माइनस देर का प्लस कर दिया, और यहां क्या हो गया, माइनस हो गया। अब आपको पता है x से x क्या हो गया, कट गया, और फिर बात कर लेते हैं -y + 2y, इसका मतलब क्या बचेगा, y बचेगा, कितना बचेगा, y बचेगा, y बराबर आपका पता है 15 घटाया तो कितना बचने वाला, 8, तो y का मान आपका कितना आ गया, 8 आ गया। अब आपको पता है x माइनस वाई का मान कितना था, x बराबर क्या था, वैसे ऊपर दिखाई दे रहा आपको, y प्लस क्या था, y प्लस 23 था, y प्लस 23 था, तो y का मान 8, और प्लस में हम
क्या कर देते हैं, 23 कर देते हैं। और 8 और 23 आप सबको पता होगा कितना आने वाला है, 31 आएगा क्या? बिल्कुल, जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, काफी सारे युवाओं ने लाइव चैट में जवाब दे दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 3 नंबर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या दे रखा है? पी क्यू, क्वेश्चन क्या दिया? पी क्यू तथा आर का औसत वजन 45 केजी है, यानी तीन व्यक्तियों का औसत वजन दे दिया। आगे आपको क्या दिया? पी तथा क्यू का औसत वजन आपको दे दिए, तो आर का वजन बताओ। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा। पहले हम बात कर लेते हैं पी प्लस क्यू प्लस आर निकाल लेते हैं, पी प्लस क्यू प्लस आर, क्योंकि आपको पता है जब एवरेज दे रखा हो तो तीनों का योग भी हम निकाल सकते हैं। तो तीन गुना क्या करेंगे? 45 करेंगे, और 3 × 45 आप करोगे तो 45 या कितना होता है आपको पता है? 135 होता है। कितना होता है? 135 होता है। ये तीन संख्याओं का यानी तीन व्यक्तियों का क्या आ गया? कुल वजन आ गया 135 केजी। अब बात कर लेते हैं, आपको पता आगे दिया P और Q, इसका मतलब P प्लस Q का मान भी आप निकाल सकते हैं। P प्लस Q की बात करें तो आपको पता है एवरेज कितना दिया? 43 दिया, तो 2 गुना हम क्या करेंगे? 43 करेंगे, और जल्दी से इनको गुणा कीजिएगा तो आपका कितना आएगा? 6 और 8, यानी हम बात कर लेते हैं, गुणा कर दिया ये, बिल्कुल ये आएगा दो व्यक्तियों का कुल वजन। अब आपको पता है यदि हम बात करें ये समीकरण एक लेवे, ये एक लेवे और ये दो नंबर लेवे, तो आपको पता है दिखाई दे रहा है यदि एक नंबर में से दो नंबर घटाएंगे तो पी और क्यू क्या हो जाएगा? पी और क्यू, देखो पी कट जाएगा और क्यू भी कट जाएगा, बचेगा कौन? आर बचेगा, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो आर का बार कितना आएगा? आर का आप घटा दो एक नंबर में से दो नंबर, यानी 135 में से क्या घटा दो? 86 घटा दो, और जल्दी से घटाकर देखिएगा, आपको पता है 9 बचा। फिर बात कर लेते एक इधर हासिल गई, फिर बात कर लेते यदि हम बात करें तो यहां 3 था, 2 बचा, और 12 में से आपको पता है 8 जाएगा, कितना बचेगा? 4 क्या? 49 बचेगा क्या? बिल्कुल 49 बचेगा, तो आपका जवाब आएगा 49 केजी। जो ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर एक की तरफ जा रहे थे, बिल्कुल उनका उत्तर सही था। बहुत बढ़िया, काफी सारे युवाओं ने लाइव चैट में जवाब दे दिए, एकदम इजी सा क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 4 नंबर आपके सामने आ चुका है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपको दे रखा है, अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है। यहां बस कुछ भी नहीं किया है आपको, केवल बट्टा के रूप में दिया और कुछ अलग कोई तरीका नहीं है। तो आपको पता है इस तरह का अनुपात का कभी भी क्वेश्चन आए तो हम क्या करते हैं? बाह्य पदों का गुणा किसके बराबर करते हैं? मध्य पदों के गुणा के बराबर करते हैं। तो बाह्य पदों के गुणा हम बात कर लेते हैं, ये आपके बाह्य पद है, इनको गुणा कर दो, और फिर बात कर लेते हैं इधर मध्य पदों के गुणा कर दो। तो ये आपको करना है, आप इजीली इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। तो यदि हम करें यहां तो आपको पता है यदि x को हम बात कर लेते हैं, x गुणा हम क्या करेंगे? x गुणा 5/9 कर दिया, 5/9 कर दिया, और इधर बात कर लेते हैं इधर कितना करेंगे? आपको पता है 1/18, और गुणा हम क्या करेंगे? 3/5, गुणा क्या करेंगे? 3/5 करेंगे। तो ये जल्दी से इनको काट पीट करके हल करने की कोशिश करेगा। तो यदि मैं बात करूं तो आप दो तरीके से काट सकते हैं, ऐसे काट दो डायरेक्ट, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यदि मैं बात करूं यहां काट दो, कितनी बार कटा? 6 बार, कितनी बार कटा? 6 बार, 3 से काट दिया 18 को 6 बार, और फिर बात कर लेते आप कोई कट रहा है क्या? फिर 3 से दोबारा मैं काट देता हूं, ये 3 से कितनी बार कटेगा? 3 बार कटेगा, और ये 3 से कितनी बार कटेगा? 2 बार कटेगा। अब मैं गुणा भाग जो भी हो रहा है एक बार करने की कोशिश करता हूं, तो आपको पता चल गया होगा यहां कितना, 5 गुणा x गुणा हम बात कर लेते 5/3, x गुणा 5/3 है बिल्कुल इधर, और फिर बराबर में आपका कितना आया? आपको पता चल गया होगा 1/10, कितना? 1/10। अब हम क्या कर देते हैं, 5x/3 इसको आगे गुणा करते हैं, तो 5x/3, 5x/3, और बराबर में आपका कितना है? 1/10 है। तो आप क्या कर दो? वज्र गुणा कर दो। क्या कर दो? वज्र गुणा कर दो। आप जल्दी से निकाल लीजिएगा तो आपका आने वाला है, जल्दी से निकालिएगा तो 10, यह कितना हो गया? 5 × 10 का मतलब 50x बराबर कितना? 50x बराबर आपका 3। इसका मतलब हम बात कर लेते हैं x बराबर कितना आएगा, x बराबर आपका आने वाला है, जल्दी से निकाल लीजिएगा, 3/50। x बराबर कितना आएगा? 3/50 आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो कौन सा है, बी की तरफ जा रहे हैं ना, बिल्कुल उनका उत्तर सही था। बहुत बढ़िया, काफी सारे युवाओं ने लाइव चैट में जवाब दे दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, आराम से गुणा भाग करना था अपने आप कर सकते हो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 5 नंबर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या दे रखा है? राम एक कार 4.5 लाख रुपए में खरीदता है, कितने? 4.5 लाख रुपए में खरीदता है, तथा उसकी सहायक सामग्री 1.25 लाख रुपए का खर्चा लगाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कुल लागत उसकी कितनी है, यानी कार की कुल लागत हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है लाभ या हानि प्रतिशत होती है कुल लागत पे होती है। तो कुल लागत की बात करें तो आपको पता है कार के रुपए उसने कितने दिए उसको? 4.5, यानी 4.5 प्लस हम कितना कर देते हैं? 1.25 कर देते हैं, ये आपकी कुल लागत आ जाएगी। तो कितनी आएगी? ये आपकी आएगी, जल्दी से निकालिएगा, 5.75 लाख, ये कुल लागत आ जाएगी। ये कार की क्या आ गई? कुल लागत आ गई।
अब आप आराम से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। वह कार को 20% की हानि पर बेचता है, 20% की हानि पर बेचता है, यानी हम बात कर लेते हैं 20% हानि का मतलब होगा 5.75, 20% हानि का मतलब 80% पर बेचता है, कितने 80 पे बेचता है, तो 80 हम 100 कर देते हैं। अब जल्दी से इनको काट पीट करके आपको हल करना है, तो मैं 0 से 0 काट देता हूं, फिर जो भी कट रहा है जल्दी से काटने की कोशिश करेगा। तो ये मैं काट देता हूं किससे, 2 से काट देता हूं, 2 से ये कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा, और ये कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा। अब इस 5 को मैं काट देता हूं यहां, तो 1 पॉइंट फिर बात कर लेते हैं कितनी बार, 1 बार फिर 5 बार, यानी इनको आप गुणा करना है, तो आपका कितना आएगा, 4.60, कितना आने वाला है, 4.60 लाख आपका रुपए जवाब आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, 4.60 लाख, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है, बहुत बढ़िया, काफी सारे युवाओं ने लाइव चैट में जवाब दे दिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, 6 नंबर। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब देने की कोशिश करिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। क्वेश्चन आपको क्या दिया है, एक वस्तु 20% हानि पर 15,000 रुपए में बेची गई, यानी हम बात कर लेते कितने प्रतिशत हानि पर, 20% हानि। हम आपको पता है क्रय मूल्य कितना मानते हैं, आपको ये हमेशा पता होना चाहिए, क्रय मूल्य को हम 100% के बराबर मानते हैं, कितने प्रतिशत के बराबर मानते हैं, यह आप सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, क्रय मूल्य को हम मानते हैं 100% के बराबर, और 20% हानि का मतलब हुआ 80%, 20% हानि का मतलब हुआ 80%, 80% का मान आपको कितना दे दिया, 15,000 दे दिया, कितना दिया, 15,000 रुपए दिया, कितना हजार रुपए दिया, 15,000 रुपए दिया। आपको क्या वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, इसका मतलब पहले हम एक का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, एक का मान निकालेंगे, और फिर हम गुणा 100 कर देंगे, ये आप आराम से निकाल सकते हो। तो ये 15,000 बट्टे में हमने क्या किया, बट्टे में हमने कर दिया 80, और गुणा 100, क्योंकि आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था क्रय मूल्य। अब जल्दी से ये शून्य मैंने काट दिया, और ये मैं 4 से काट देता हूं, ये 4 से कितनी बार कटा, 25 बार कटा, और ये 4 से कट गया 2 बार। अब आपको पता है 2 का भाग देंगे 1500 में, आपका कितना आएगा, 750, और 750 गुणा हम कितना करना है, 25 करना है। तो ये जल्दी से गुणा कीजिएगा कितना आने वाला है, जल्दी से देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। तो इसका जवाब आएगा 18,750, बिल्कुल 18,750 आपका जवाब आने वाला है, जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल उनका उत्तर सही था, एक बार गुणा भाग सभी विद्यार्थी करके देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 7 नंबर आपके सामने आ चुका है, क्या दे रखा है आपको। यदि हम बात कर लेते हैं 10 वर्षों में एक निश्चित धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर पर स्वयं की 2 गुना हो जाती है, स्वयं की 2 गुना होगी, इसका मतलब यदि हम बात करें मूलधन हमने 100 रुपए माना, क्या माना, मूलधन की बात करें, मूलधन मैंने 100 रुपए माना, तो आपको पता है मिश्रधन कितना हो गया, स्वयं का 2 गुना हो गया, मिश्रधन का मतलब हो जाती है, इसका मतलब क्या होता है मिश्रधन, और मिश्रधन कितना हो गया 200 हो गया, मिश्रधन कितना हो गया 200 हो गया, इसका मतलब ब्याज कितना हुआ, इसका मतलब साधारण ब्याज की बात करें तो आपको पता है 100 रुपए था उसका 200 हो गया, इसका मतलब ब्याज कितना रुपए हुआ, 100 रुपए हुआ। तो अब आराम से इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हो, मूलधन भी आपके पास है, और फिर बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं तो 200 ये मिश्रधन हो गया, ब्याज हो गया, और आपको पता है समय आपको दे ही रखा है, समय आपको दे रखा है, आराम से आप कर सकते थे। अब यदि हम बात करें निकालना क्या, आपको आपको निकालना है ब्याज की दर क्या है, दर की बात करें तो दर बराबर क्या होता है, आपको पता होगा दर बराबर होता है ब्याज गुणा 100, नोट कीजिएगा सभी विद्यार्थी, ब्याज गुणा 100 बट्टे में क्या होता है मूलधन गुणा, मूलधन गुणा क्या होता है समय होता है, ये आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा, तो जल्दी से इसको वैल्यू रख करके आप हल कर सकते हो। तो यदि मैं बात करूं ब्याज आपका 100 रुपए है, और गुणा हम बात कर लेते हैं 100 लिखेंगे, और बट्टे में मूलधन हमने कितना माना था, मूलधन हमने माना था 100, और समय कितना दिया 10 वर्ष दिया, तो आप जल्दी से काट पीट करके हल कीजिएगा, ये 100 से 100 मैंने काट दिया, ये 0 से 0 कटा, इसका मतलब आपका जवाब आएगा 10, और 10% आएगा क्योंकि अगले ने दर पूछा, इसका मतलब 10%, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल उनका उत्तर सही है, बहुत बढ़िया, काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब दे दिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 8 नंबर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन को पढ़ के उसका जवाब देने की कोशिश करेगा। 2 अंकों की संख्या, यानी हम बात कर लेते हैं कितने अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या तथा हम बात कर लेते हैं अंकों के स्थान को बदलने के बाद बनी संख्या का अंतर 45 है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है। यदि मैं बात करूं यहां थोड़ा सा मैं लिख के बताता हूं, यदि मैं संख्या ए भी मानता हूं, यदि हम बात कर लेते हैं इसका इकाई और दाई किस तरह से माने, तो आपको पता होगा कोई भी संख्या जैसे मान लो मैंने मानी, मैं लिख देता हूं 57, मैंने एक संख्या लिखी 57, तो इसका मतलब क्या होता है 5 गुणा 10 प्लस 7 यही तो होता है 57, तो इसका मतलब इसका क्या होगा आपको पता है, यदि मैं बात करूं तो इसका क्या होगा 10a प्लस b, इस संख्या का मतलब यही तो होगा, बिल्कुल आपको ये सबको पता होना चाहिए, कई बार इस तरह का आपको पता है
जो नंबर सिस्टम ने हमने पढ़ा भी था, तो इसका मतलब आपको पता है यदि हम संख्या माने तो संख्या यदि ए और बी ले तो आपको पता है ए बी संख्या माने, हमने संख्या क्या मानी, हमने संख्या मान ली ए बी, संख्या हमने क्या मानी, संख्या मानी ए बी, ए और बी क्या है आपको पता है, बी इकाई एक है और ए क्या है दाई एक है, इसका मतलब इस संख्या को हम क्या लिखेंगे, इस संख्या को यदि वैसे व्यक्त करें तो आप लिखेंगे दस ए प्लस बी, क्या लिखेंगे दस ए प्लस बी लिखेंगे, यह आप सभी को पता होगा। अब देखो उल्टने के बाद यानी हम बात कर लेते हैं स्थान परिवर्तन के बाद वो संख्या क्या होगी, वो संख्या हो जाएगी बी ए, क्या हो जाएगी स्थान हमने परिवर्तित कर दिया अंकों को, तो इसका मतलब यदि वैसे लिखे तो क्या लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे दस दस बी प्लस ए, दस बी प्लस ए लिखेंगे, बिल्कुल यही तो लिखेंगे, तो ये दोनों संख्या होगी स्थान बदलने और पूर्व में जो संख्या थी वो आ गई। अब इन दोनों का अंतर आपको दे दिया, इसका मतलब यदि हम बात करें ये संख्या माने और ये आपको पता है जो पलटने के बाद है, तो इसका मतलब एक नंबर वाली में से दो नंबर वाली हम घटाते हैं, तो पहली संख्या कितनी थी आपको पता है दस ए प्लस बी थी, दस ए प्लस बी थी, और इसमें से हमें क्या घटाना है, इसमें से हमें घटाना क्या है आपको पता है दस बी माइनस ए घटाना, दस बी माइनस ए घटाना है बिल्कुल, और इनका मान आपको कितना दे दिया है, इनका मान आपको दे दिया 45, इनका उत्तर कितना दिया 45 दिया, यही तो दिया बिल्कुल, तो आपको पता है जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा, तो आप देखोगे दस ए यहाँ क्या दस ए प्लस बी और कोष्ट खोलेंगे आपको पता है दस बी माइनस का यहाँ क्या हो जाएगा आपको पता है प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा जल्दी से देखिएगा यहाँ माइनस, यदि हम बात करें सॉरी दोस्तों यहाँ प्लस था ना, इसका मतलब माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, इसका मतलब माइनस है, बराबर आपको कितना दिया 45 दिया, यही तो दिया बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं यदि हम बात करें 10 ए में से एक ए घटेगा, 10 ए में से एक ए घटा कितना बचा 9 ए बचा, फिर बात कर लेते हैं यहां आपको पता है ये बी रहा और माइनस 10 बी, इसका मतलब माइनस के 9 क्या बचेगा, माइनस के 9 बी बचेगा, बराबर आपको कितना दे दिया 45 दे दिया, यही तो दिया बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं यदि हम बात करें 9 कॉमन ले लिया, 9 कॉमन ले लिया तो क्या बचा आपका ए माइनस बी बचा, ये आपको कितना दे दिया 45 दे दिया, कितना दे दिया 45, और 9 45 से 5 बार कटेगा इसका मतलब a माइनस बी कितना आ गया, a माइनस बी का मतलब 9 से कट जाएगा 5 बार, यानी a माइनस बी यानी संख्याओं का जो अंकों का अंतर था ना वही तो आपको पूछा था, अंकों का अंतर बताओ इसका मतलब अंकों का अंतर आने वाला 5, बिल्कुल जो ऑप्शन में बी की तरफ जा रहे थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, काफी सारे युवाओं ने लाइव चैट में जवाब दे दिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, 9 नंबर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब देने की कोशिश करेगा, क्या दे रखा है आपको निकालना क्वेश्चन नंबर 9 में एवरेज यानी औसत निकालना है, तो औसत आप आराम से निकाल लोगे, क्या करना है आपको 8 जोड़ना है 5 जोड़ना है 6 जोड़ना है 3 जोड़ना है 7 4 3 और 9, ये इन अंकों को क्या करना है आपको जोड़ना है, तो 8 और 5 कितना होगा, यदि हम बात करें 8 में 5 जोड़ेंगे 13 और 13 में 6 जोड़ा 19 और 19 में 3 जोड़ा 22, 22 और 7 कितना हो गया 29, 22 और 7 कितना होगा 29, 29 और 4 कितना हो गया 33, 33 और 3 की बात करें तो आपको पता है 33 और 3 हो जाएगा 36, 36 और 9 कितना हो जाएगा 45, क्या 45, और संख्या कितनी है देखिएगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो संख्या आप गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है ना बिल्कुल, 45/8 आपका जवाब आने वाला है, जल्दी से हम भाग देख के देखते हैं, तो आपको पता 5 बार जाएगा, फिर बात कर लेते हैं आपको पता चल गया होगा 5/6 यानी 6 बार, इसका मतलब 5.6, और यदि आगे भाग दें तो आपको पता कितना बचने वाला है आपका, बचेगा जल्दी से देखिएगा 2 बार, फिर 16, 4 बचा, फिर 5 बार, इस तरह से आएगा लगभग, यह आपका जवाब आने वाला है। अब आप ऑप्शन देखो जल्दी से, तो 5.6 यानी बात कर लेते हैं 6 के आगे यहां 2 आ रहा है, इसका मतलब लगभग 2 वाला तो दिया नहीं है, इसका मतलब बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे ना 5.63 बिल्कुल का उत्तर सी, आराम से कर सकते थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, 10 नंबर आपके सामने आ गए, जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा, पी क्यू तथा आर मिलकर एक कार्य को 4 दिन में करते हैं, इसका मतलब आपको क्या दिया पी प्लस क्यू प्लस आर, ये तो दिया पी प्लस क्यू प्लस आर दिया आपको, कितने दिन में दे रखा है यह आपको दिया 4 दिन में करते, कितने दिन में करते हैं 4 दिन में करते, यह आपको दे रखा है। आगे बात कर लेते हैं पी और क्यू, यहां कितना दिया P और Q दे रखा है अकेले उसी कार्य को, यानी हम बात कर लेते हैं ये P लिखा और ये Q लिखा, उनका अलग अलग आपको दे दिया कितने कितने दिन में कर रहे हैं जो भी 8 दिन और 12 दिन, कितने दिन 8 दिन और 12 दिन में करते, कितने दिन में करते 12 दिन में करते। अब बात कर लेते हैं पहले हम क्या लेंगे, इन तीनों का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, और एलसीएम आपको पता है कितना आने वाला है 24 आने वाला है, एलसीएम कितना आएगा 24 आएगा, बिल्कुल 24 आएगा, 24 में आप 4 का भाग दो कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, क्या 6 बार, फिर बात कर लेते हैं 24 में 8 का भाग जाएगा 3 बार,
फिर बात कर लेते हैं 24 में 12 का भाग जाएगा दो बार, ये आ गई इनकी कार्य क्षमता, ये इधर के आ गई कार्य क्षमता है आगे। आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था आर कितने दिन में करेगा अकेला, आर अकेले का निकालना था। तो आपको बताया ये दो है ना, ये एक नंबर वाली में से घटा देंगे, इसका मतलब टोटल काम कितना था आपका, एलसीएम टोटल काम होता है 24 बट्टा में हम क्या करेंगे, यदि हम बात करें तो 6 माइनस क्या करेंगे, 6 माइनस 3 प्लस 2 करेंगे, 3 प्लस 2 क्यों करेंगे, क्योंकि नीचे वाली दोनों को जोड़ के ऊपर वाली में से घटा देंगे। तो 24 बट्टा 6 माइनस कितना 5, इसका मतलब 24 बट्टा 1 का मतलब कितना आने वाला आपका दिन आएगा 24, तो आपका जवाब कितना आएगा 24 दिन आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, डी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 11 नंबर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या दिए, एक समांतर चतुर्भुज की आपको ऊंचाई दे दी, ऊंचाई कितनी दी 7 सेंटीमीटर दी, तथा उसका क्षेत्रफल भी आपको दे रखा है। आपको निकालना आधार की लंबाई, किसकी लंबाई निकालनी, आधार की, और क्षेत्रफल आपको पता होगा क्या होता है, जल्दी से सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई, क्या होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई होता है। इसका मान आपको कितना दे दिया 161 दिया, कितना 161, और आपको पता है आधार आपको निकालना है, आधार आपको निकालना है, ऊंचाई आपको दे दिए, ऊंचाई आपको कितनी दी है 7 दिए, इसका मतलब 7 और 161, इसका मतलब आधार बराबर आपका कितना आने वाला है, आधार की बात करें तो आपका आएगा 161/7, 161/7 का मतलब क्या होगा, जल्दी से देखिएगा, दो बार गया फिर बात कर लेते कितनी बार 23, इसका मतलब 23 सेंटीमीटर आपका जवाब आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे, बी की तरफ जा रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 12 नंबर का, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब देने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो आपको क्या दे रखा है, कहीं भी आपको साइन कोस टेन का क्वेश्चन आए तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इनको आप साइन थीटा और कोस थीटा और टेन थीटा के रूप में लेने की कोशिश करिए, किन के रूप में, साइन थीटा और कोस थीटा और टेन थीटा, क्योंकि ये मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं तीनों। तो आपको पता है यहाँ तो टेन दे रखा है, इसका मतलब इसको तो चेंज करना नहीं है, ये टेन का टेन में लिख देता हूँ, टेन थीटा का मैंने टेन थीटा लिख दिया। और आगे बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करें कोसेक, कोसेक का मतलब होता है आपको पता होगा 1/sin θ, क्या होता है 1/sin θ हम लिखेंगे, और बट्टे में आपको क्या दे रखा है, बट्टे में आपको दिया कोट, कोट का मतलब होता है 1/10, कोट का मतलब क्या होता है 1/10θ होता है। अब बात कर लेते हैं गुणा, 1/sec का मतलब होता है cos थीटा, अब जल्दी से इनको हल करने की कोशिश करिएगा। तो यहां इन्होंने दिया 10θ और गुणा में 1/sin θ, और फिर आपको पता है नीचे वाले भाग में इसका मतलब उल्टे हो जाएंगे, तो 10θ बट्टे हम क्या लिखेंगे, 10θ बट्टे में 1 लिखेंगे। और फिर बात कर लेते हैं आगे, बात करें तो cos θ बट्टा हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब जल्दी से जो भी क्वेश्चन हल कर रहे हैं जल्दी से जवाब करने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। तो आपको पता चल गया होगा यदि मैं बात करूं tan² θ तो आपको दिख ही रहे, और यहां आ गया आपका क्या, cos θ बट्टा sin θ, cos θ बट्टा sin θ का मतलब होता है cot θ, क्या होता है cot θ। अब आपको पता है cot का मतलब क्या हो गया, कोट का मतलब होता है 1/10, तो इसका मतलब 10² θ गुणा 1/10, तो 1 tan आपका कट जाएगा, 1 tan आपका बच जाएगा, तो आपका बचेगा क्या 10θ बचेगा, क्या बचेगा 10θ बचेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे, ऑप्शन नंबर जो सी की तरफ जा रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है, आराम से कर सकते थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 13 नंबर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। साइन 45 प्लस कोस 45 और उनका स्क्वायर करना है, तो साइन 45 का मान आप सबको पता होगा 1/√2 होता है, कितना होता है 1/√2 होता है। और फिर बात कर लेते हैं कोस 45 का मान होता है 1/√2, इनको आपको हल करके और इनका क्या करना है, स्क्वायर करना, ऊपर क्या दे रखा है आपको, स्क्वायर दे रखा है, तो जल्दी से करिएगा। आपको पता है √2, और फिर बात कर लेते हैं 1+1 का मतलब ऊपर 2 आ जाएगा, ये तो बिल्कुल, और इनका क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करोगे तो 2² = 4 और √2² = 2, इसका मतलब 4/2 का मतलब आपका जवाब आएगा 2। बिल्कुल जो ऑप्शन में कौन सा बता रहे, डी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 14 नंबर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या दिया आपको, आपको दिया 70,000 रुपए का 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम पहले क्या निकालते हैं, मिश्रधन निकालते हैं, और मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा 100+ दर, हम क्या लिखते हैं 100+ दर/100, और घात क्या लिखते हैं, समय लिखते हैं, यानी जितनी बार समय होता है वो क्या लगाते हैं, घात लगाते हैं, यह आपको पता होगा।
अब बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं मूलधन आपको दे दिया 70,000 रुपए, कितना दिया 70,000 रुपए, और गुणा आपको पता है 105/100 कितनी बार लिखना है, 105/100 आपको दो बार लिखना है क्योंकि समय 2 वर्ष है। अब जल्दी से जो काट पीट करके हम हल करने की कोशिश करते हैं, ये 0 से 0 काटा और ये 0 से ये 0, आपको पता है 7 गुणा 110 25, 7 गुणा 110 25 का इसका मतलब आप जल्दी से कीजिएगा, 25 साथी कितना होता है आपको बताओगे 175, 175 और 77, ये आपको पता, ये आपका क्या है, ये आ गया रुपए विसर्जन, ये क्या है विसर्जन है, इसका मतलब आपका बड़ा कितना आपको पता है पहले, अब हो गया कितना 77,175 हो गया, पहले था आपका 70,000, इसका मतलब कितना बढ़ गया, अंतर ले लेते हैं तो आपको पता है 7175, कितना 7175 रुपए, जो कि आपका क्या है ब्याज है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ये बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही, बहुत बढ़िया, काफी सारे युवाओं ने लाइव चैट में जवाब दे दिया, एक बार गुणा करके सही से देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 15 आपके सामने आ चुका है, एक एथलीट खिलाड़ी है जो 5 मिनट में आपको पता है 800 मीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी चाल आपको बतानी है, चाल आप निकालने की कोशिश करेगा, तो चाल बराबर आपको पता होगा दूरी बट्टा समय होता है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टा समय होता है, तो जल्दी से सभी विद्यार्थी निकालने की कोशिश करेगा दूरी बट्टा समय। अब बात कर लेते हैं, यदि हम बात करें ऊपर आपको पता है 800 मीटर दिया, तो हम बात कर लेते हैं यदि नीचे बात करें तो 5 मिनट को 60 से गुणा कर देते हैं, ये तो आपका आएगा सेकंड में। अब ये चाल आपकी आने वाली है मीटर प्रति सेकंड में, ये चाल किस में आ गई मीटर प्रति सेकंड में आ गई, इसको आप किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करोगे तो 800 बट्टा, ये तो अपनी जगह पड़ा 5 गुणा 60, और किस से गुणा करोगे किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे। अब जल्दी से सभी विद्यार्थी काट करके इसको हल करने की कोशिश करेगा, ये 0 से 0 मैंने काट दिया, और ये 6 से कटा कितनी बार 3 बार, और फिर काट देते इस 5 को कितनी बार कटेगा 16/5 होता है बिल्कुल, और 16 कितना हो गया 48, और 48/5 का मतलब आप भाग देके देखिएगा कितनी बार जाएगा 2 बार गया, फिर बात कर लेते हैं आपको पता कितना बचा 3 और 6 बार, इसका मतलब आपका जवाब आएगा 2.6 किलोमीटर प्रति घंटा, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी, आराम से कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, 16 नंबर आपके सामने आ चुका है, क्या दे रखा है, 2 संख्याओं का योग आपको दे दिया, 2 संख्याओं का योग 26 और उनका अंतर आपको दे दिया 12 है, तो उनके वर्गों का अंतर बताओ, आपके वर्गों का अंतर बताना है, तो आपको पता यदि ये संख्या ए और बी मानी, संख्या हमने क्या मानी ये नोट कर लेते हैं, पहले तो हमने संख्या मान ली, क्या मानी संख्या, में हमेशा कहता हूं ए और बी हम मान लेते हैं, तो एक ए मानी और दूसरी क्या मानी बी मानी, तो आपको क्या दिया योग दिया, इसका मतलब ए प्लस बी दे दिया, ए प्लस बी का मान आपको कितना दिया 26 दिया, और आगे बात कर लेते हैं ए माइनस बी, अंतर का मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी का मान कितना दिया 12 दिया, यही तो दिया बिल्कुल, और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है वर्गों का अंतर, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है, अंतर का मतलब यही तो हमें ज्ञात करना है, और आपने देखा होगा यदि हम बात करें फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, ए प्लस बी होता है और क्या होता है ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है, तो ये मान आपको दे रखा है, जल्दी से हल कीजिएगा मान रख के, तो ए प्लस बी का मान आपको कितना दिया 26 दिया, और हम बात कर लेते हैं ए माइनस बी का मान कितना दिया 12 दिया, अब इनको गुणा कर दो आप जल्दी से, 26 कितना हो गया 52, 80 लगी 5 26 और 5 कितना हो गया 31, इसका मतलब 312 आपका जवाब आएगा बिल्कुल, जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है, बहुत बढ़िया, काफी सारे युवाओं ने लाइव चैट में जवाब दे दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, 17 नंबर आपके सामने आ चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है, पी और क्यू की चाल का अनुपात 3:4, इसका मतलब आपको क्या दे दिया P और Q की चाल का अनुपात दिया 3 और 4, ये चाल का अनुपात है मैंने नोट करवा दिया, यदि Q 4 घंटे में कितनी दूरी तय करता है 320 किलोमीटर की दूरी तय करता है, इसका मतलब निकाल लेते Q की चाल, और Q की चाल क्या आएगी, चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टा समय होता है, चाल बराबर क्या होता है आप सबको बताओगा दूरी बट्टा समय होता है, अब बात कर लेते दूरी आपको पता है 320 किलोमीटर, कितनी 320 है और समय कितना लगा रहा है 4, इसका मतलब आपका आएगा कितना, ये आपका आने वाला है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी आएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा आपका जवाब आएगा, ये किसकी चाल आई, ये तो आ गई आपकी किसकी, ये आई क्यू की चाल, अब आपको पता है क्यू का अनुपात कितना है, क्यू के अनुपात की बात करें तो 4 है,
चार बराबर आपको कितना दे दिया, 80 दे दिया, तो एक बराबर आएगा 80 बटे 4 आएगा। और आपको बांध किसका चाहिए, आपको पी का चाहिए, इसका मतलब 3:1 का बांध चाहिए, तो जल्दी से कीजिएगा, ये आपको पता है 20 बार, और 20 × 3 का मतलब आपका जवाब आएगा 20 दिया कितना होता है 60, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपका जवाब आएगा। यदि आपको किसकी चाल पूछे, आपको पूछे पी की चाल बताओ, और क्यों की कहता तब हम कितना बताते, क्यों की तो हमने निकाल ही ली, ये क्यों की थी। अब बात कर लेते हैं बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 18 नंबर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब देने की कोशिश करेगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। एक व्यक्ति के पास 550 रुपए, उनमें 10 रुपए के नोट कितने हैं, 17 नोट 10 रुपए के है। और आगे बात कर लेते हैं 17 नोट, पहले बात कर लेते हैं कुल राशि कितनी है, कुल राशि उस व्यक्ति के पास कितनी है, 550 रुपए, कितनी है 550 रुपए आपको बताऊंगा। यदि बात करें ये हमने 550 लिख लिया, और आपको बताया 17 नोट 10 10 रुपए की, इसका मतलब राशि कितनी होगी, 17 × 10 यदि हम बात कर लेते हैं 170 होगी, बाकी राशि बची है वो 20 रुपए वाली है, तो घटाते हैं कितना आता है आपको बताया ये 8, और फिर बात कर लेते हैं कितना बचा 3 38, यदि 380 रुपए बाकी के कौन से नोट है, 20 रुपए के नोट है, किसके नोट है, 20 रुपए के नोट है, इसका मतलब कितने नोट होंगे, 20 का हम भाग दे देते हैं, तो 380 बटा क्या करेंगे 20 करेंगे, 380 बटा 20 का मतलब आपका कितना आएगा 19 बार, आपको पता है 19 बार कटा, इसका मतलब 19 नोट हो गए 20 रुपए वाले, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही, बहुत बढ़िया, काफी सारे युवाओं ने लाइव चैट में जवाब दे दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, 19 नंबर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब देने की कोशिश करेगा। एक वस्तु 35% की छूट पर 26,000 रुपए में बेची जाती है, 35% छूट का मतलब कितना आपको बताया, 100 में से 35% कम कर दो, इसका मतलब 65% का मान कितना दिया, 65% का मान आपको दे दिया 26,000, कितना दिया 26,000 रुपए दिया, इसका मतलब एक बराबर कितना आएगा 26,000 बट्टे कितना करेंगे, 26,000 बट्टे में 65 करेंगे, और आपको क्या निकालना है, यदि छूट 15% हो, 15% यदि 100 से 15 कम करें 85, तो गुणा में 85 के बराबर निकालना है, तो जल्दी से निकालेंगे ये कितनी बार कटेगा, ये शायद तक आपका 400 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा 400 बार कटेगा, अब जल्दी से इनको गुणा कर दीजिएगा, 2 शून्य लग गई, फिर बात कर लेते 5 से गुणा किया, यदि बात कर लेते 4 को 5 से किया 20 हासिल लगी 2, फिर बात कर लेते 32 और 2 कितना हो गया 34,000 रुपए, तो आपका जवाब कितना आएगा 34,000 रुपए आएगा, जो कि कई बार पेपरों में रिपीट हो चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 20 नंबर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब देने की कोशिश करेगा। एक व्यापारी बासमती चावल 40 केजी का बैग 125 रुपए हम बात कर लेते हैं, तथा 60 केजी का दूसरा बैग है वो 150 रुपए में खरीदता है, तो पूरे स्टॉक में 20% के लाभ पर बेचता है, तो आपको बताना है प्रति केजी विक्रय मूल्य क्या होगा, यदि हम बात कर लेते हैं प्रति केजी विक्रय मूल्य आपको बताना है। पहली बात तो यहां से थोड़ी भाषा आपको पता है, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, तो यहां थोड़ी सी भाषा आपको पता है, दूरी लिख रखी है, वो भाषा में पूरी करवा देता हूं, जैसे आप ऑप्शन में देखोगे तो आपको पता है 1 केजी का मूल्य इतना 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 दे रखा है, तो आपको पता हो गया कि इसका मतलब ये जो दे रखा है ना 125 रुपए, ये पूरे 40 केजी का नहीं है, बल्कि 1 केजी का मूल्य, ये 1 केजी का है और ये भी 1 केजी का, ये आपको यहां से कन्फर्म हो गया। अब आपको बताए यदि हम बात करें 40 गुणा कितना करेंगे, 40 × 125 करेंगे, आपको बताया ये करेंगे, और प्लस में बात कर लेते हैं अगले वाला कितना है, 60 केजी है और कितने भाव से, 150 के भाव से, तो 60 × 150 करेंगे, और बट्टे में आपको पता है कुल निकालना, आपको कुल हम बात कर लेते हैं, यदि हम बात करें टोटल, टोटल हम क्या निकाल लेते हैं, टोटल का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल का क्रय मूल्य निकालेंगे, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए कुल मैंने मूल्य लिखा और बट्टे में कुल कितना केजी हो गया 40 केजी, और फिर बात कर लेते हैं 60 केजी, 40 और 60 100 केजी हो जाएगा, ऊपर वाला हम गुणा भाग करके जल्दी से करिएगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसको हल करते हैं, जल्दी से गुणा भाग आपको करना है, बाकी क्वेश्चन बहुत ही आसान दे रखा है, तो आपको बताइए 5,000 आएगा और ये 2,000 आएगा, ये आप गुणा करके देखो कितना आएगा, 5,000 आएगा क्या, 5,000, ये 5,000 आएगा और ये कितना आएगा 2,000, कितना आपको बता 2,000 आएगा, और 5,000 और 2,000 बट्टे में कितना आपका 100, तो 5,000 2,000 कितना हो गया आपको पता है 14,000 हो गया, 2 शून्य कट जाएगा, 140 रुपए प्रति केजी, 140 रुपए प्रति केजी के भाव से आपको पता है चावलों का जो मूल्य उसका पड़ा है मिलाकर,
अब बात कर लेते हैं वो चावल को किस भाव से बेचेगा ताकि उसको 20% का लाभ हो। इसका मतलब 140 गुणा 120 करना पड़ेगा। 120 क्यों करना पड़ेगा, 20 का उसको लाभ कमाना है, तो 120 बटा 100। अब जल्दी से कर लीजिएगा, 20 से 20 मैंने काट दिया और आपको पता है 14 × 28 हासिल लगी 2, और 14 × 2 कितना हो गया 16 हो गया, क्या 168 आएगा, क्या 168 रुपए प्रति केजी भाव से वो चावल को मिलाकर बेचेगा। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे ना, बिल्कुल उनका उत्तर सही था, बहुत बढ़िया, काफी सारे युवाओं का लाइव चैट में जवाब आ गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने आ चुका है। आपको एचसीएफ कितना दिया, 6 दिया और एलसीएम 108 दिया। एक संख्या आपको दे रखी है 12, एक संख्या कितनी दी 12 दी और दूसरी संख्या आपको ज्ञात कर दी है। तो इस तरह का कई बार मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया, जब ए और बी दो संख्या माने तो ए गुणा बी यानी दो संख्याओं का गुणनफल होता है वो एचसीएफ गुणा एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहां से इंडियन आर्मी के पेपर में बहुत ही ज्यादा बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो ए और बी एक संख्या आपको दे दी 12, एक संख्या कितनी दी 12 दी और दूसरी आपको पता है बी रख ली हमने, और एचसीएफ कितना दिया 6 दिया और एलसीएम कितना दिया 108 दिया। तो पहले हम इनको काट देते हैं, ये 12 से कटेगा कितनी बार कटेगा 9 बार, और आपको पता है बी बराबर आएगा 6 × 9, 6 × 9 का मतलब आपका जवाब कितना आएगा 54 आएगा, कितना आएगा 54 आएगा। तो वो दूसरे वाली संख्या कितनी होगी 54 होगी, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 22 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्या दिया आपको, आपको दिया जब आपको कभी भी चतुर्थ अनुपात की बात करें, जैसे मैं बात करता हूं ए बी ये मैंने लिखा सी, और चौथा अनुपात आपको कभी भी पूछे तो आप कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हो, देखो एक बार देखिएगा सभी विद्यार्थी, यहां मैंने समानुपात लिख दिया और यहां चौथा वाला अनुपात मैंने एक्स मान लिया यानी हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, आंतरिक पद गुणा और बाह्य पदों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो आपको पता है ए एक्स बराबर क्या आएगा, ए एक्स बराबर बी गुणा सी होगा, बी गुणा सी होगा और एक्स की वैल्यू हमें चाहिए, इसका मतलब हम क्या करेंगे बी गुणा सी बट्टा क्या करेंगे ए करेंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं दूसरी संख्या और तीसरी संख्या को हम क्या करेंगे गुणा करेंगे और बट्टा में पहली संख्या लिख देंगे, यही तो हमें करना है। तो हम यहां क्या करेंगे 6.9 गुणा हम क्या करेंगे 11.4 करेंगे, कितना 11.4 करेंगे और बट्टे में हम कितना रख देंगे, बट्टे में हम 3.6 रख देंगे, कितने रख देंगे 3.6 रख देंगे। जल्दी से सभी विद्यार्थी इनको हल करने की कोशिश करेगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। इनको यदि आप काट पीट करके हल करने की कोशिश करेंगे तो आपके अंतिम में जवाब आने वाला 21.85 आपका जवाब आने वाला है। अब आप ऑप्शन में देख लीजिएगा क्या दे रखा है, 21.85 की जगह आपने 21.2 दे दिया, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे ना बिल्कुल उनका उत्तर सही, एक बार गुणा भाग आप कर लेना आराम से। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 23 नंबर आपके सामने आ चुका है जो कि आपको पता है समीकरण से संबंधित क्वेश्चन है। तो आपको क्या दिया है, आपको दो समीकरणें दी है, जैसे एक समीकरण क्या दे दिया आपको a प्लस 2b दिया, क्या दिया a प्लस 2b बराबर आपको कितना दिया 55 दिया, कितना दिया 55 दिया। और आगे बात कर लेते हैं a माइनस 2b का मान कितना दिया आपको, दे दिया माइनस के 13, कितना दिया माइनस के 13 दिया, और आपको किसका मान चाहिए b का मान चाहिए। तो इन दोनों समीकरणों को यदि आप देखोगे, यदि आपको b का मान चाहिए इसका मतलब या तो आप a का ज्ञात करके फिर b का ज्ञात कर लो, या फिर एक तरीका यह भी है कि आप क्या कर दो, समीकरण ये एक है ना, समीकरण एक में से हम बात कर लेते हैं, ये मैंने समीकरण क्या लिखी एक लिखी, ये समीकरण मैंने क्या लिखी एक लिखी, और ये मैंने लिख ली समीकरण दो, क्या लिख ली समीकरण दो लिख ली। तो एक में से या तो दो घटा दो ताकि आपका बी का ही मान आएगा, जल्दी से घटाने की कोशिश करिएगा, घटाते हैं तो चिन्ह परिवर्तित करते हैं, यहाँ क्या कर देंगे प्लस कर देंगे और यहाँ भी प्लस कर देंगे। तो आपको पता है यहाँ घटा के आप देखिएगा सभी विद्यार्थी देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते, तो आपको पता चल गया ये से क्या हो गया कट गया। और फिर बात कर लेते हैं 2b और 2b कितना हो गया 4b हो गया, कितना हो गया 4b हो गया, और बराबर आपको पता है यदि हम जोड़ेंगे इनको तो कितना आएगा 8, 68, क्या बिल्कुल 68 आएगा ना। और आपको बताए यदि हम बात करें b बराबर मान निकालें तो 68 बटे कितना आएगा 4, और 17 चौको आपको बताया 68 होता है, इसका मतलब 17 आपका जवाब आएगा, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे ना बिल्कुल का उत्तर सी है। और ए पूछता आपको कहता है ये बताओ, तब हम दोनों समीकरणों को जोड़ देते और आपका मान एक आ जाता। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 24 नंबर आपके सामने आ चुका है, कई बार पेपरों में पूछा गया है 99 × 99 क्या होगा, एकदम आसान क्वेश्चन दे रखा है। 99 100 से कितना कम है, आप कहोगे सर एक कम है, तो 99 से 1 कम और कर दो यानी 98, और आपको पता है एक कम है इसका मतलब एक का वर्ग कितना होता है 1, और आपको 2 अंक चाहिए इसका मतलब हमने क्या लगा दिया शून्य लगा दिया, 98 01 बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल का उत्तर सही है। मैंने कई बार आपको बताया जैसे मैं कह देता हूं 98 × 98 बताओ, आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया 98 × 98 बताओ, तो आप क्या करोगे
सौ से कितना कम है, दो कम है, तो दो कम और कर दो कितना, 98 में से दो कम किया 96, और फिर बात कर लेते हैं दो कम है दो का वर्ग कितना होता है 4 होता है। और आपको बताया अंक में दो चीज का मतलब शून्य लगा देते, इस तरह से हम निकाल सकते कोई भी संख्या लगभग 100 के आसपास वाले। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 25 नंबर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। एक व्यक्ति 10 मिनट में, एक व्यक्ति 10 मिनट का मतलब क्या हो गया 10/60, यानी हम कह सकते हैं 1/6 घंटा, क्या कहेंगे 1/6 घंटा कहेंगे, क्योंकि आपको पता है नीचे आप चाल देखोगे किलोमीटर प्रति घंटा में दिखाई दे रहा है। अब आपको पता है यदि मैं बात करूं आपको गति निकालने, गति का मतलब आपको चाल निकालना, चाल बराबर आपको पता होगा दूरी बटा समय होता है, क्या होता है दूरी बटा समय होता है, दूरी आपको पता है 1 किलोमीटर दिया और समय कितना दिया 1/6 दिया। अब आपको पता है 1/6 को हम भाग में गुणा में चेंज करेंगे तो उल्टा कर देंगे 6/1, इसका मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा आपको जवाब आएगी बिल्कुल। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं, जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सी है, आराम से कर सकते थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 26 नंबर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब देने की कोशिश करिएगा। यदि कोस 52 डिग्री बराबर आपको बी दे दिया, कोस 52 डिग्री बराबर बी दिया, कोट 52 डिग्री बराबर आपको बी दिया, टेन 38 डिग्री बराबर क्या होगा। आप हमेशा एक बात हमेशा नोट कीजिएगा, मैं बता देता हूं, यदि हम बात करें θ1 + θ2 बराबर कितना हो, θ1 + θ2 बराबर 90 डिग्री हो, θ1 + θ2 बराबर क्या हो 90 डिग्री हो, यानी दो कोण जिनका मान योग 90 डिग्री हो, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है sin θ1 हम बात कर लेते हैं, यदि हम बात करें sin θ1 बराबर क्या होगा cos θ2 होगा, ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। यदि हम बात करें tan की तो tan θ1 बराबर किसके बराबर होगा cos θ2 के बराबर होगा, और यदि हम बात करें sec की तो sec θ1 किसके बराबर होगा cosec θ2 के बराबर होगा। ये सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा जब भी योग 90 डिग्री हो, क्योंकि साइन कोस पूरक कोण होते हैं, टेन कोट पूरक कोण होते हैं, sec cosec पूरक कोण होते हैं, यानी जब मान 90 डिग्री हो दोनों का योग, तब आपका मान दोनों का बराबर आता है। तो यहां देखो 52+ आप करोगे 52+38 करके देखिएगा, 52+38 आप करोगे 90 आ रहा है, और 90 का मतलब दो कोणों का योग जब 90 डिग्री आए तो वो कहलाते हैं पूरक कोण। ये भी आपको पता होना चाहिए, दो कोणों का योग जब 90 डिग्री आए वो पूरक कोण कहलाते हैं। और आपको बताऊंगा दोनों कोट और टेन है, इसका मतलब दोनों का मान क्या होगा बराबर होगा, इसका मान बी है तो इसका मान भी क्या होगा बी होगा बिल्कुल। जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही। जैसे मैं उदाहरण देता हूं आपको, उदाहरण देखकर देखिए, जैसे मैंने कहा कोट 30 डिग्री, कोटिस डिग्री का मान आपको पता कितना होता है जल्दी से बताएगा, कोटिस का मान होता है √3, और आपको पता होगा यदि हम बात करें tan 60 डिग्री की बात करें, आपको पता दोनों का योग 90 हो रहा है, दोनों का योग क्या हो रहा है 90 हो रहा है, तो आपको पता इसका मान भी आपको पता है √3 ही होता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, साइन में भी है, साइन और कोस में लागू होता है, टेन और कोट में लागू होता है, सेक और कोसेक में लागू होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 27 नंबर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। ई और एफ मिलकर, एफ मिलकर एक कार्य को 10 दिन में करते हैं, और आपको दिया ई अकेला उस कार्य को 30 दिन में करता है, तो एफ अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक बार सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। और काफी सारे विद्यार्थी हमारे साथ लाइव है, तो जितने भी विद्यार्थी लाइव है एक बार सेशन को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है ये क्लासेस कितनी मेहनत करके आपके लिए तैयार की जाती है, तो एक लाइक करने का हक आपका भी बनता है, ताकि हमारे को भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करें। और ज्यादा से ज्यादा आप मैथमेटिक्स की क्लास में प्यार और सपोर्ट देंगे तो आपकी मैथमेटिक्स की क्लास भी आपको पता रेगुलर करने की कोशिश करेंगे। अब आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तभी तो आपको पता परमानेंटली क्लास कर पाएंगे। तो आपको क्या दिया है, ई और एफ मिलकर एक कार्य को, इसका मतलब ई और एफ दे दिया, ई प्लस एफ दे दिया, कितने दिन में करें 10 दिन में करें। आगे क्या दिया, ई अकेला उस काम को 30 दिन में करें, यह मैंने 30 दिन लिख दिया। पहले इनका क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा, 30 में आपको पता 10 का भाग गया 3 बार और 30 में 30 का भाग गया 1 बार। अब बात कर लेते हैं आपको पता है एफ का निकालना, एफ का निकालना इसका मतलब टोटल काम कितना 30, और 3 महीने से 1 कर देते हैं तो आपको पता है 30/2 का मतलब आपका जवाब कितना आएगा 15 दिन आपका जवाब आएगा बिल्कुल। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही, आराम से कर सकते थे। काफी सारे युवाओं का लाइव चैट में जवाब आ गया जहां तक मैं कॉमेंट देख पा रहा हूँ आपके। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं।
जो कि आपके स्क्रीन के सामने थे। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 28 का जवाब देने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। क्वेश्चन आपको क्या दिया है, आपको दिया दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया है 24। गुणनफल कितना दिया 24 दिया है। और आपको आगे क्या दिया है, आगे बात कर लेते हैं, उनके वर्गों का योग 52 है। उनके वर्गों का योग कितना है 52 है, उनका योगफल बताओ। आपने देखा होगा योग वर्गों का योग इस तरह की बात आई, यहां वर्गों की योग की बात करें, वर्गों की योग की बात करें, वर्गों के अंतर की बात करें, तब हम ए प्लस बी ए माइनस बी वाला लगा सकते हैं। वर्गों का योग इसका मतलब ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला आप सबको आता होगा। ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है आपको पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको पता है प्लस 2ab होता है, ये सबको पता होगा, ये होता है बिल्कुल। आपको क्या दिया है, आपको वर्गों का योग दे दिया। वर्गों का योग कितना दिया, यदि मैं बात करूं इनका योग दे दिया, वर्गों का योग आपको कितना दिया, वो दिया आपको वर्गों का योगफल 52 है, बिल्कुल 52 लिख दिया। और प्लस में दो गुणा हम बात कर लेते हैं, एक भी यानी गुणनफल कितना दिया, गुणनफल आपको 24 दे दिया। ये हम करते हैं जल्दी से, क्या कुछ आता है तो 52 + 48, 52 + 48 का मतलब कितना हो गया, 52 + 48 की बात करें तो आपका कितना आ गया 100 आ गया। अब आपको पता है ये किसका मान है, ये आपका मान है a प्लस बी का स्क्वायर है, a प्लस बी का स्क्वायर है, इसका मतलब 100। आपको पता है दोनों संख्याओं के योग का वर्ग 100 है, इसका मतलब दोनों का योग क्या होगा a प्लस बी, यानी आपका 10 आ जाएगा। a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 29 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब देने की कोशिश करेगा, आपको प्रश्नवाचक का मान निकालना है। तो पहले बात कर लेते हैं इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, इन दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो 9876 प्लस में हम क्या करेंगे 5431 करेंगे। जल्दी से ऐड करते हैं कितना आता है, तो आपको बताया 7 0 हासिल लगी, एक फिर बात कर लेते हैं 13 हासिल लगी, 1 15 यानी बात कर लेते हैं 15000 इतना आया, ये 15307 आया। अब आपको पता है ये इधर वाली उधर जाके घटेगी, तो ये इधर से घटा देते हैं, तो हम कितना घटाएंगे 5553 इसमें से घटा देंगे, तो जल्दी से घटाएंगे कितना आएगा, ये आपको पता है प्रश्नवाचक का मान आ जाएगा। जल्दी से घटाने की कोशिश करिएगा, ये 4 बचा 5 बचा, फिर बात कर लेते 1 हासिल गई, यानी हम बात कर लेते कितना बचेगा आपका 7 बचेगा, क्या 7 और फिर कितना बचेगा 9, 9754 आपका जवाब आएगा। सही तक आप घटा कर देख लेना, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर सही है, बहुत बढ़िया, काफी सारे युवाओं का लाइव चैट में जवाब आ गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 30 नंबर आपके सामने आ चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा, एक वस्तु को 10% की छूट पर इतने रुपए में बेची जाती है, तो 15% छूट हो तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। यह क्वेश्चन इस तरह का मैंने आपको पता है पहले क्लास में एक करवाया है, तो सभी विद्यार्थियों को यह होमवर्क के लिए मैं दे देता हूं, तो सभी विद्यार्थियों को इसका कमेंट करके जवाब बताना है, देखते कौन कौन स्टूडेंट, मेरे को भी पता चलेगा ये क्लास पूरी किन किन ने देखी है, और जल्दी से कमेंट करके बताएगा इन 30 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। यदि आपके 22+ क्वेश्चन राइट हुए तो आपकी तैयारी बहुत ही शानदार थी, तभी आप 22+ कर पाए, क्योंकि क्लास का लेवल भी मैंने बहुत ही शानदार तरीके से आपको करवाया था। चलिए दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएगा, और जिन भी विद्यार्थियों को हमारी टॉपिक वाइज या बात लेते हैं प्रैक्टिस सेट ईबुक लेना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट ईबुक जो भी विद्यार्थी लेना चाहते हैं उन दोनों का लिंक आपको कमेंट बॉक्स और बात कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप परचेज कर सकते हो, और टॉपिक वाइज अपना प्रत्येक टॉपिक जीके जीएस और मैथमेटिक्स का कवर कर पाओगे वो ईबुक डाउनलोड करके। जो भी विद्यार्थी नहीं कर रखे जरूर कीजिएगा, आप बहुत ही ज्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।